लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पहला बहुत बड़ा रूल है कि मैं अपने जीवन का खुद ही निर्माता हूँ, ये आप लिख सकते हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। हम अपने विचारों से मैं मेरे जीवन के लिए स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं मेरे जीवन के लिए स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। और आज से मैं अपने जीवन की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं एक पावरफुल और सशक्त इंसान हूँ जो जीवन में पॉजिटिव, ये लिखिएगा प्लीज, ये एफर्मेशंस हैं। मैं एक पावरफुल इंसान हूँ। सब लोग लिख रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी लाइफ में, ये एफर्मेशंस हैं, इन पे धीरे धीरे बताऊंगी कैसे काम करना है। मैं एक पावरफुल इंसान हूँ और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। तो लॉ, जैसे कि हम सबको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सबको पता है गुरुत्व आकर्षण का नियम, सबको पता है कि एक कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आती है, सबको पता है। तो इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता कि जो ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आएगा। इसी तरह से जीवन के भी नियम हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। अब पृथ्वी का नियम है ताकि हम लोग बैलेंस बना रहा पृथ्वी पे हमारा, हम लोग चल फिर सकें। इसी तरह से नेचर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, आकर्षण का नियम, वो नियम जो है हमें जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने की शक्ति देता है। अब जो अगर आप देखो, कहते हैं कि मानव सर्व शक्तिशाली है, परमात्मा ने जितने भी जीव बनाए हैं उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है? हम इंसान हैं। क्यों हमें शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? इंसान क्यों सबसे शक्तिशाली है बताइए कोकिला बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना है अपने आप को, आपको अनम्यूट का बटन दबाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो हम हमारे जीवन में बन सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हम जीवन को में क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, जीवन बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये शक्ति जो है सिर्फ इंसान को दी है। जो जानवर होता है एक लिमिटेशन में जीता है, उसका एक लिमिटेशन है कि वो खाएगा पिएगा, उसके बच्चे होंगे और वो घर भी, वो लोग कुछ जानवर घर भी बना लेते हैं, पर इसके उसमें, हाँ जी बोलिए, उसमें खराब चीज होती है वो जीवन भर रहती है और अच्छी चीज होती है वो भी जीवन भर रहती है, बदला नहीं सकते है। और हम बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं, वेरी गुड। वो जो है हम हर चीज हर पल बदल सकते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला कोकिला बहन। तो हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। अब मैं एक वो बोलूँगी, श्लोक बोलूँगी और आप मुझे उसका अर्थ बताएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, किसी ने सुना है ये श्लोक कभी? आपने सुना है, और किस किस ने सुना है? डेलसी ने सुना है, ज्योति जी ने सुना है, तृप्ति जी ने सुना है, रूपल ने सुना है। इसका अर्थ क्या होता है?
मैं भगवान भी बन सकती हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऑलरेडी भगवान हूँ, बन नहीं सकती हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ। पिंकी जी ने भी सुना हुआ है। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? क्रिएशन, उनका काम है क्रिएट करना, उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण करा। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्रिएटर हूँ और मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम क्रिएट कैसे करते हैं, इंसान क्रिएशन कैसे करते हैं, बताइए। हाँ जी वृंदा जी बताइए। वृंदा जी बोलिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हम क्रिएट कैसे करते हैं अपने जीवन को? थोड़ा सोचिए, हाँ बताइए कोकिला बेन। हम किसी के अच्छे गुण देखते हैं तो हम अच्छे ला सकते हैं हमारे जीवन में, बिल्कुल, और बुरा भी बन सकते हैं बुरे के साथ रखकर। बताइए कैसे क्रिएटर क्रिएशन कैसे होती है। हाँ जी वृंदा जी बोलिए। एक्चुअली ऐसा है कि मानव जाति को भगवान ने बुद्धि दे दी है, सबसे वो बात अलग है बाकी प्राणियों से। वो बुद्धि के हिसाब से कुछ भी उनको इन्वेंट करना है तो वो कर सकते हैं, इसलिए वो ये बात तो ठीक है, पर क्या चीज, क्या चीज क्रिएशन करती है, क्या चीज क्रिएशन करती है। हाँ जी प्रतिमा जी, प्रतिमा जी बोलिए। हमारी सोच से, हमारे एक्शन से। हाँ कुछ कुछ और बताइए। हाँ सोच और एक्शन, राइट। कोई और जतिन जी कहना चाहते हैं? मैडम नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर, जरूरियत हमारी हमें क्रिएटिव करे। सब लोग आसपास हैं पर एक्चुअली, हाँ जी कौन बोलिए। एक्चुअली मैं सिंपल सा ये एग्जांपल दे देती हूँ। आई एम ऑडिबल? यू आर ऑडिबल। हेलो, हाँ जी ऑडिबल हैं आप, बोलिए। आई एम ऑडिबल। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जैसे इस लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत लॉस हुए हैं, हम चाहते तो दुखी रह सकते थे, वो क्रिएट कर सकते थे दुखी रहना, पर आज हम एक साथ बैठे हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं और हमने लिए ये क्रिएट किया पॉजिटिविटी। तो मेरे पर क्रिएट कैसे किया, किस चीज से क्रिएशन होती है, मतलब ये किस चीज से क्रिएशन होती है? हमने चलिए मैं बता देती हूँ उत्तर। शब्द, जो शब्द होता है, शब्द आपने सुना होगा ना पंजाबी में, शब्द कीर्तन होता है, शब्द। तो जो शब्द होता है उससे आप क्रिएट करते हो, जो वर्ड बोलते हो, जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है, या जो शब्द हम सोचते हैं, जो हमारी सोच है वो भी एक शब्द है। तो शब्द जो है वो क्रिएशन करता है, जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो हम अपने आप को हर समय बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और उससे कनेक्टेड इमोशन जनरेट होता है। तो शब्द हमें बड़ा आपने सुना होगा कि भाई जो भी जुबान पे सरस्वती बैठी हुई होती है, कितने लोगों ने दादी मदर से सुना है कि भाई आप सोच समझ के बोलो, मुंह पे जुबान पे सरस्वती बैठी है, कब वो पूरी हो जाए कोई नहीं जानता, सबने सुना हुआ है बचपन से। तो ये बड़े लोगों की विजडम है ना, उनको पता था कि जो हमारी जुबान है, जो हम बोलते हैं, जो हमारा शब्द है, कभी भी पूरा परमात्मा कर सकता है। तो शब्द है जो हमारी थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, जो हम मन में सोचते रहते हैं, वही मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेते हैं। तो आपने एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओलिवर और विल्बर राइट ब्रदर्स का, आपने किसी ने नाम सुना हुआ है? एरोप्लेन में कितने लोग बैठे हुए हैं, एरोप्लेन में कितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग बैठे हैं। तो आपको पता है पहले एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था?
ओलिवर एंड विल्बर राइट ब्रदर्स ने, ये शायद 19वीं सदी की बात है, कि वो जो है ओलिवर और विल्बर राइट ब्रदर्स छोटे थे, 7-8 साल के बच्चे थे, और वो अक्सर सोचते थे कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे तो कहते थे कि क्या हम भी उड़ सकते हैं, और उनके मन में भाव आया कि हमने जो है उड़ना है, पक्षी की भांति एक फ्रीडम के, एक पक्षी फ्रीडम होती है ना उसके पास, वो उड़ने की फ्रीडम होती है, तो हमने उड़ना सीखना है, हम उड़ना चाहते हैं, हमारे भी काश पंख होते। तो छुटपन से उनको वो लत लग गई कि भैया अब हमें तो कुछ ऐसा ढूंढना है कि हम उड़ पाए। तो उन्होंने किताबें पढ़ी, रिसर्च करी, एरोडाइनमिक्स मतलब उड़ने के क्या क्या नियम होते हैं, पंखों को क्या वो प्रेशर, कितना प्रेशर उन पे पड़ना चाहिए कि वो उड़ सकते हैं, क्या किस तरह का, तो उन्होंने एरोडाइनमिक्स का आविष्कार कर डाला, उसको समझ लिया, उसकी डिस्कवरी जो भी आप कहें, डिस्कवरी थी या इन्वेंशन थी, एरोडाइनमिक्स की खोज उन्होंने कर ली और पहला एरोप्लेन बना लिया। कितना बड़ा आविष्कार है वो हमारी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में, पता, उससे पहले तो घोड़ों पे ही जाते थे, घोड़ों पे, बैलों पे जाया जाता था, और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना, इतनी वॉर्स लड़ी जाती हैं, और यहाँ तक कि आज तो वो छोटे छोटे उस वो बन गए हैं, क्या बोलते हैं वो जो हेलीकॉप्टर नहीं, वो छोटे जो आजकल क्या बोलते हैं उनको, ड्रोन, थैंक यू, ड्रोन बन गए हैं। तो मतलब एक कितने 100 साल पहले किसी ने आविष्कार किया और आज वो उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ड्रोन तक आ गई है टेक्नोलॉजी, और ड्रोन से डिलीवरी होने वाली है, जहां तक मैंने सुना है कि ड्रोन से उड़ के आपके घरों पे डिलीवरी भी शायद आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगी। तो पूरा इतिहास बदल दिया एक दो भाइयों ने अपने शब्द से। उनका शब्द था कि हमें जो है जीवन में उड़ना है, तो हम जीवन के क्योंकि निर्माता हैं, हम जीवन के क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरा शब्द जो है ब्रह्म वाक्य है, कहते ना ब्रह्म वाक्य, और आपने देखा होगा पहले ऋषि मुनि आशीर्वाद दे देते थे, जा ये हो जाए, और हो जाता था। तो हमारे अंदर, सबके अंदर वो काबिलियत है मैनिफेस्टेशन की, ईश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है। तो आपने देखा होगा कि मंदिरों में मूर्तियां हैं तो वो बिल्कुल हाथ पांव नाक इंसानों जैसे ही होते हैं, हमारे भगवानों के भी, और उसका एक मकसद यही था कि हम भी वो बन सकते हैं जो परमात्मा या भगवान या कृष्ण या राम है। हर किसी में वो बीज है, हर किसी में राम बसता है, तो वो राम क्रिएट कर सकता है, हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर ही रहे हैं, ये बात आपको पता हो या ना पता हो, पर हम सब क्रिएट कर ही रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, हम सब ने क्रिएट करा अपनी जीवन में। तो अपने जीवन से आप लोगों ने क्या क्या क्रिएट करा ये मैं जानना चाहती हूँ, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी पता था आज से पहले तो भी आपने क्रिएटर तो आप हो ही, तो क्रिएट कर ही रहे हो जीवन में। किसी ने सोचा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो वो इंजीनियर बन गया, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है ना। अगर आपको, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं पढ़ा तो भी ग्रेविटी अपना काम कर रही है, इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। तो आप लोग शेयर करें कि किन किन लोगों ने क्या क्या क्रिएट करा अपने जीवन में। आप सबने क्रिएट कर रखा है, बट आपको अवेयरनेस नहीं है कि हमने क्रिएट करा है। सब सोचते ये तो ऐसे ही हो गया, भगवान की मर्जी थी, ऐसे नहीं हुआ। तो बताइए कौन कौन शेयर करेगा कि आपने क्या क्या क्रिएशन करा। अभी मेरा प्रश्न शायद किसी को क्लियर नहीं हुआ। जो देखिए, जैसे मैं आज से 30 साल पहले मेरे मन में एक भाव आया, विचार आया, मैंने अपने आप को शब्द दिया कि मुझे अपने पांव पे खड़ा होना है। और मैं उस समय BSc करके चुकी थी और मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल एकेडमिक्स में नहीं था। तो मेरी टीचर थी एलेना, जिनकी मैंने चर्चा कल करी थी कि मेरे को एलेना जैसा बनना है, मेरे को घर पे बैठे बैठे लोगों को कुछ सिखाना है, जैसे वो सिखाती है लोगों की लाइफ में, रिलेशनशिप अच्छा करती है, पीसफुल बनाती है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। तो मैं वैसे वैसे बनती गई, तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शब्द नहीं पता था, बट मैंने अपने आप को शब्द दिया कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, और मैं बन गई। तो ऐसी आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में क्रिएशंस करी हैं बहुत सारी, तो आप अपनी क्रिएशंस के बारे में बताइए जिनको थोड़ा समझ में आया है। हाँ जी, ज्योति जी बताइए।
जय बुद्धि। मैडम मैं बीकॉम करती थी तो जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे से हूँ मैं, तो जहांगीर आर्ट गैलरी में मैं पेंटिंग देखने जाती थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे ऐसा पेंटर बनना है, और तभी तो ऐसा कोई था नहीं कि सिखाए कुछ, लेकिन जुनून था कि मैं भी एक दिन ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी और मेरी पेंटिंग जहांगीर आर्ट गैलरी में होनी चाहिए ऐसा। तो फिर मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन वो मन में एक जुनून था कि नहीं ये मैं कभी सीखूंगी, मेरी भी एक बार होनी चाहिए। और उसके 6 साल बाद मेरी पेंटिंग उधर लगी, मैंने अपने ही आप ट्राई किया और फिर मेरी 2 पेंटिंग उधर लगी थी, तभी मुझे बहुत खुशी हुई कि बिना सीखे भी हम लोग कर सकते, चाहे तो हो ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ चाहा वहाँ रहा, वेरी ब्यूटीफुल। और आप लोग बताइए क्या क्या आपने लाइफ में क्रिएट करा, आप सब ने क्रिएट करा है, आप सब बहुत पावरफुल हैं। और कोई शेयर करेगा? हाँ मैं शेयर करूंगी जी, बताइए। जैसे हमारा परिवार काफी हम लोग हमेशा में हाउसवाइफ हूँ, परंतु मुझे हमेशा लगता था कैसे बिजनेस में बिजनेस करूँ। बचपन से एक था कि लड़कों के बराबर, जैसे हमारे घर में लड़कियों को कोई चीज में आगे बोलने के लिए। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपका नाम नहीं समझ पा रही हूँ, नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी है। मैं अच्छा मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ राजकुमारी, तो वो वीडियो में ऑन स्टार्ट नहीं कर पा रही, वो आपके द्वारा ऑफ किया हुआ है। मैंने स्टार्ट करने का कोशिश किया पर वो नहीं हो रहा है। You cannot. Okay. ठीक है, बोलिए आप। हो गया राजकुमारी जी, बोलिए, मैं देख पा रही हूँ आपको। आप क्या करती हैं राजकुमारी जी, शेयर करिए हमसे। मैं बिजनेस वुमेन थी, अभी मैंने छोड़ दिया बिजनेस करना, अभी मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और योगा का क्लासेस चलाती हूँ, फ्री योगा क्लासेस चलाती हूँ अपने। नेपाल से हूँ मैं। अच्छा आप नेपाल से हैं, नेपाल में कहाँ से हैं? नेपाल में विराटनगर बोल करके एक जगह है, सिटी है, तो वहाँ से हूँ। तो मेरी इंडस्ट्री है, तो मैं इंडस्ट्री अपने ओन करती थी, अभी बच्चे चलाने लग गए। अच्छा। तो मुझे हमेशा लगता था, पापा लोग को बोलती थी कि मुझे ये बिजनेस चलाना है, तो बोलते थे नहीं तुम उधर रहो, अलग रहो, या कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। मुझे हमेशा लगता था उस चेयर पे बैठना है, जो चेयर पापा लोग या कोई भी बैठते हैं उस पर बैठना है और डिसीजन लेना है, चेयरमैन बनना है। अच्छा तो पता नहीं जैसे सब चीज मिलते गया, हर चीज मिलते गया या कुछ भी, और मैं उसकी बन भी गई और हमेशा चलाया भी मैंने 15-20 साल तक, बहुत ही अच्छा से चलाया, सब कुछ किया। अभी तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं सोच रही कि अब हो गया बहुत बिजनेस, और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुली, जो भी लोग मिलते भी थे तो सब काफी सक्सेसफुली चलाया, उसमें अप्स डाउन्स भी देखे, सब कुछ किया। तो इसी तरह मुझे आप चेयरमैन बन गई। हाँ ये मतलब बस मन की इच्छा के कारण। हाँ मन की इच्छा के शब्द आपने दिया कि मुझे बनना है, आपका शब्द था, आपकी कमिटमेंट थी कि मेरे को बनना है। वंडरफुल वंडरफुल राजकुमारी जी। कैलाश जी, कैलाश जी आप कहना चाहते हैं कुछ? आपका हाथ खड़ा हुआ है, आपकी साउंड नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। कैलाश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हूँ। जी जी जी। ऑल इंडिया रेडियो में करता था मैं काम। जी। 1993 में मुझे कहा गया कि लद्दाख जाना है, लेह। वहाँ जो है एक टीवी का टावर हमें लगाना था। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि -degree टेम्परेचर जा रहा था वहाँ, -12 तक जा रहा था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो है कॉन्फिडेंस आया, और हमने वो 2.5 महीने रहे वहाँ पर। तो उस चीज से आज तक हमारे अंदर ये है कि भाई हम विंटर से नहीं डरते हैं, चाहे टेम्परेचर कहीं भी चला जाए, -12 लद्दाख में -30-40 तक भी जाता है। -12 पे हमने काम किया, तो उससे यही शिक्षा मिली कि भाई अगर कठिन परिस्थितियां हो लेकिन आपका हौसला हो तो आप उसको भी निकाल जाते हैं, यही कहना चाह रहा था। वंडरफुल, तो आपने अपने आपको शब्द दिया कि मुझे वहां जाना है और मुझे वहां ये करना है, और आप ये कर पाए। जी जी, वंडरफुल। और इंसान जो सोच लेता है कि ये होना है तो वो होके रहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हालांकि पहले मुझे डर लग रहा था जाते जाते कि भाई जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं,
लेकिन फिर भी निश्चय करके कि भाई ड्यूटी तो ड्यूटी है, मैंने ड्यूटी को ड्यूटी माना। आप कौन सी सिटी से हैं, कौन से शहर से हैं? दिल्ली से, दिल्ली से। अच्छा, तो आप दिल्ली से ज्वाइन किया, तो हमारे पड़ोसी हैं आप तो। जी प्रियंका जी, आप क्या कहना चाहती थी? एक्चुअली 4-5 सालों से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसे मैं अपने बच्चों का भी केयर कर सकूं, घर का भी ध्यान रख सकूं और कोई प्रेशर ना हो काम का, और मेरे को, मैं कभी सोचूं स्कूल खोल लेती हूं, बच्चों का जो किड्स वगैरह होता है जैसे, तो कभी अबैकस का ले लेती हूं। बट समझ नहीं आ रहा था, पर मन में बहुत चाहती कुछ ऐसा करूं, पर इस लॉकडाउन की वजह से भगवान ने मेरे पे इतनी कृपा की, जैसे मतलब जो जो चाहा, अब मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सुबह चलती है, शाम को चलती है, मैं घर का भी ध्यान रख सकती हूँ और बच्चों का भी ध्यान है और अपना थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो जाता है। बट मुझे इसमें बहुत ऐसा लगा कि मतलब मेरे भगवान ने वो सब कैसे दे दिया मुझे जो मैं सोच रही थी, और अब आज जो मैं, यही तो मिरेकल है जो हम सोचते हैं वो होता है। और आज जो मैं करने जा रही हूँ, ऐसे कुछ लोग जो इतनी ज्यादा परेशानी में, मेरा मन करता है कि मैं क्या करूं उनके लिए, तो आज जो रेखी कोशिश करूंगी कि मैं इतना ज्यादा सीखूं कि खुद अपने आप में इतना ज्यादा करूं कि किसी को थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं मैं, कि मतलब इतना जो बहुत दर्द में है थोड़ा सा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ कि जो चाहा वो भगवान देता जा रहा है टच। बिल्कुल। और कौन शेयर करना चाहता है? प्रियंका जी नमस्ते। मैम श्रुति बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी श्रुति जी। हाँ मैम, एक्चुअली मैं अभी लॉकडाउन में मैं यही सोच रही थी कि भाई मुझे कुछ ऐसा सीखना है जिससे मेरे को मतलब हेल्थ रिलेटेड, भले खुद की फैमिली की, क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, एटलीस्ट मैं अपना और अपनी फैमिली का भी कुछ कर सकूँ पॉजिटिव। स्पिरिचुअल हीलिंग्स है और कुछ जैसे एक्यूप्रेशर वगैरह है वैसा कुछ, तो ये जस्ट आफ्टर दिवाली मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा कंफर्मेशन से, कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय जैसा हो गया कि मुझे कुछ सीखना ही है, मुझे कुछ सीखना ही है, लेकिन मुझे सोर्स नहीं मिल रहा था। दिसंबर के अंदर हमारी कुछ मीटिंग्स हुई थी एज पर सामाजिक वे में, तो मेरी फ्रेंड की बहन, जिनको मतलब कभी हम लोग ऐसे बैठते नहीं है, वो अचानक से मेरे बाजू में बैठ गई। उनके साथ में अचानक से मेरा ये डिस्कशन हुआ और उन्होंने अचानक से मुझे कोई लिंक फॉरवर्ड की, और फिर मैं ये एक्यूप्रेशर की क्लासेस और आपकी रेकी क्लासेस ऐसे ज्वाइन हो गई थी। मतलब कहने के शॉर्ट पीरियड में हुआ, लेकिन मैंने सोचा वो मेरे को हासिल हुआ है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में कुछ सोचा वो पूरा हो गया? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में सोचा था कि मैं अपना टेरेस गार्डन बनाऊं, मेरा टेरेस गार्डन बने, पौधे तो लगे थे पर उसको शेप नहीं मिली थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ये टेरेस गार्डन बनाऊं, और मैं वीडियोस देखती रहती थी दूसरों के, और बहुत ही सुंदर लगता था टेरेस गार्डन। तो जो एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड दूसरों के लिए होता था मेरे को, तो मैं एक दिन नर्सरी गई और नर्सरी में मैं पौधों को देख रही थी, तो ऐसी बात करते करते एक व्यक्ति मिल गया जो कि डिज़ाइन करता था टेरेस गार्डन को, और वो टेरेस गार्डन फिर मैंने उसकी देखी कि उन्होंने क्या क्या बनाया है, तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मेरा टेरेस गार्डन भी बना सकता है। तो उन्होंने मेरा फिर टेरेस गार्डन अक्टूबर में बना दिया। तो 2-3 चीज़ें काम करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी थॉट्स। कोई कुछ कहना चाह रहा था? ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, पर उसकी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं। अगर हम उन एलिमेंट्स को समझेंगे तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कल हमने ग्रैटिट्यूड की बात करी थी, जब हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होता है तो वो है एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है, और हमारा वाइब्रेशन, क्योंकि इस धरती पे कल हमने बात करी थी, हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ ऊर्जामय है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें आप समझिए कि जो ऊर्जा है, जो थॉट एनर्जी है, जो शब्द की ऊर्जा है, जो शब्द हम मन में सोचते हैं वह भी एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, और उस शब्द को हम बार बार रिपीट करते चले जाते हैं मन में, उसके साथ इमोशंस हैं, उसके साथ भाव जुड़े हैं, तो वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है
ऊर्जा ऊर्जा जो है एक फिजिकल फॉर्म लेती है, जो ऊर्जा है वो फिजिकल फॉर्म ले रही है, फिर फिजिकल फॉर्म फिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसको ऐसे समझें कि प्राणी एक आत्मा रूप होता है, आत्मा शरीर लेती है और फिर शरीर से वो सारे भौतिक सुख भोगती है और फिर जब वो मरती है तो फिर वो नॉन फिजिकल हो जाती है। तो हर चीज जो वाइब्रेशन है वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। तो लॉ ऑफ फिजिक्स कहती है कि मैटर मैटर जो है, जो भी फिजिकल फॉर्म है, मैटर यानी जो भी फिजिकल चीजें हैं, वो दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। वाइब्रेशन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं और वो फिजिकल मैटर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जो एटॉमिक बम है वो क्या है, एटम्स यानी फिजिकल फॉर्म को इकट्ठा करके उसको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाल दिया गया कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। है वो एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मतलब एटम से यानी पदार्थ से बनी हुई, फिजिकल फॉर्म से बनी हुई एटॉमिक एनर्जी है जो नॉन फिजिकल ऊर्जा का वो कर लेती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो और एटॉमिक एनर्जी से आप बम भी बना सकते हो। एम आई राइट? एटम बम सबने सुना ही है, दुनिया को डराता रहता है, पाकिस्तान अक्सर डराता रहता है एटम बम डाल देंगे, हिंदुस्तान अमेरिका डराता है। सो पर लेकिन इस एटॉमिक एनर्जी से हम क्रिएशन भी करते हैं। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है एटॉमिक एनर्जी से। तो एटॉमिक एनर्जी जो है, ये ऊर्जा जो है, हमारा शब्द भी एक एटॉमिक ऊर्जा की तरह से है। इस शब्द से हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अच्छी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं और बुरी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने अच्छी अच्छी बातें करी हैं, पर नेगेटिव एनर्जी से हम क्या क्या क्रिएट कर लेते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे।